हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज Z5 पर रिलीज हुई एक फिल्म जिसका नाम है लाइन ऑफ डिसेंट। इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट किया है रोहित कर्ण बत्रा ने। इस फिल्म में हमें नजर आते हैं ब्रेंडन फेजर, अभय देओल, रोनित रॉय, नीरज काबी, प्रेम चोपड़ा और अली हाजी। तो यार आप लोग सोच रहे हो इसमें इतने गजब के एक्टर्स हैं तो ये फिल्म बहुत अच्छी होगी। तो वही मैं आपको बताऊंगा ये फिल्म कैसी है, प्लस इसमें एक हॉलीवुड स्टार यानी ब्रेंडन फेजर हमें नजर आते हैं। तो ब्रेंडन फेजर का इस मूवी में क्या रोल है वो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप जरूर देखें, और आपको ये वीडियो पसंद तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो ज्यादा समय न लेते शुरू करते हैं हमारे आज के। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है भरत यानी कि प्रेम चोपड़ा से। उनके तीन बेटे, बड़ा बेटा है पृथ्वी यानी कि रोनित रॉय, दूसरा बेटा है सिद्धार्थ यानी कि नीरज काबी, और तीसरा बेटा है सनी यानी कि अली हाजी। तो उसके तीन बेटे हैं। भरत सैनी लैंड माफिया कैसा बना, क्यों बना, उसके पीछे की वजह क्या थी, ये हमें इस मूवी में बहुत अच्छा बताया। वो अपने दोनों ही बेटों के साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से चला रहा है। तीसरे बेटे की बात करें तो तीसरे बेटे को इसके बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी मॉम के साथ किसी भी तरीके से अमेरिका सेटल होना चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको भी अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। लोगों को दिखाने के लिए इनका एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होता है, लेकिन असल में इनका बिजनेस होता है लैंड माफिया का। और पुलिस वालों की इन पर नजर होती है हमेशा से, लेकिन पुलिस वालों के पास कभी भी इनके खिलाफ सबूत होता नहीं है। इसीलिए भरत सैनी को हमेशा डर लगा रहता है कि आज नहीं तो कल पुलिस वाले इन तक जरूर पहुंचेंगे, और वो इसी वजह से इस बिजनेस को छोड़ना चाहता है। और वो इस पर अपने बड़े बेटे पृथ्वी से भी बात करता है, और कहीं ना कहीं पृथ्वी भी इस बात को लेकर अपने डैड से सहमत रहता है। खैर कहानी आगे बढ़ती है और भरत सैनी सुसाइड कर लेते हैं यानी कि प्रेम चोपड़ा सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने से पहले वो एक विल छोड़कर जाते हैं जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि उनकी प्रॉपर्टी और उनके पैसे का हक सिर्फ उनके बड़े बेटे पृथ्वी का रहेगा। फिर उसके बाद इस मूवी में हमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता कि ये मूवी मुझे कैसे लगी। तो इस मूवी की बात करो तो ये मूवी स्टार्टिंग में आधा घंटा काफी स्लो शुरू हो चलती है, क्योंकि यहाँ पर आधा घंटा आपको सारे के सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर अभय देओल के किरदार से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वो दिल्ली उनकी पोस्टिंग हुई है, वो एक डेप्यूटी कमिश्नर है। दिल्ली आने के बाद उनको एक काम सौंपा जाता है, किसी भी तरीके से भरत सैनी की पूरी फैमिली को तुम्हें ट्रैप करना है और उनके खिलाफ सबूत लाके उनको गिरफ्तार करना है। तो उनको ये एक मिशन दिया जाता है, तो वो मिशन को किस तरीके से सॉल्व करते वो हमें इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से बताया। और दूसरे ब्रेंडन फेजर, ब्रेंडन फेजर एक हॉलीवुड स्टार है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चा बच्चा उनको पहचानता है, क्योंकि उनके एक जो फेमस फ्रेंचाइजी द मम्मी फ्रेंचाइजी, खैर हम लोग बात कर रहे हैं इस मूवी की। तो इस मूवी में इनका यहाँ पर रोल है एक आर्म्स डीलर का। उन्होंने अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से निभाया, हालांकि उनकी जगह पे कोई और एक्टर भी उस रोल को निभा सकता था, लेकिन फिर भी उन लोग ने ब्रेंडन फेजर को लिया। और इसी वजह से मैं ये सोच रहा था कि इस मूवी में उनका क्या रोल है, तो उनका रोल ठीक ठाक है, मुझे पर्सनली कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। करने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ सीन्स नहीं थे, ना ही कुछ एक्शन सीन्स थे, ना ही कुछ ऐसा सीन्स था जिसके बारे में यहाँ पर बता सकूं। तो ब्रेंडन फेजर को यहाँ पर वेस्ट किया गया। हाँ, इस मूवी की परफॉर्मेंस की बात हो तो परफॉर्मेंस में मुझे सारे के सारे एक्टर्स अच्छे लगे, लेकिन स्पेशली मैं अभी मेंशन करूंगा नीरज का भी और अली हाजी का परफॉर्मेंस, दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। हाँ, रोनित रॉय की बात करूं तो उनका जो स्क्रीन टाइमिंग थी ज्यादा नहीं है, स्क्रिप्ट के हिसाब से उनका रोल इस मूवी में ज्यादा नहीं है, तो इस हिसाब से मैं उनके परफॉर्मेंस की वजह से इतना ही बोलूंगा कि जितना भी उनका काम था बहुत अच्छा है। अभय देओल का एज पुलिस ऑफिसर काम बहुत अच्छा लगा। ब्रेंडन फेजर ने भी अपना रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो ये मूवी आप लोग देख सकते हैं, ये मूवी आपको कहीं पे भी बोर नहीं करती है। हाँ, स्टार्ट में ये मूवी स्लो शुरू होती है, लेकिन आगे आगे ये मूवी जैसे मूवी आगे बढ़ती है इंटरेस्ट धीरे धीरे आपका बिल्ड होता है और एंड तक आपका इंटरेस्ट बना रहता है। क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने जैसा कहा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, डायरेक्शन भी अच्छा है, कहानी की बात करो तो कहानी भी अच्छी है, किस तरीके से पैसा और पावर के सामने अपने भाई भी रहे तो अपन उसके दुश्मन बन जाते, ये इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो बस मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी, अगर आपको देखते तो आप इसे Z5 ऐप पर देख सकते हो। इस मूवी का लेंथ 1 घंटा 43 मिनट यानी कि 1 आवर 43 मिनट है, तो कहीं पर भी आपको ये मूवी बोर नहीं करती है। तो मेरे हिसाब से इतना बोलो कि इस हफ्ते अगर आप लोग फ्री है तो आप ये मूवी जरूर देखें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय।